नमस्कार फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ वो हमारा जो अगला टॉपिक है वो माइक के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो माइक के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली मोबाइल फ़ोन लैपटॉप रिपेयरिंग के कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो माइक के बारे में, कि माइक हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या काम करता है, उसको हम लोग कैसे रिपेयरिंग करते हैं या उससे क्या क्या मोबाइल फ़ोन में परेशानी आती हैं। तो ऐसा मैं आपको पूरा इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर समय पर देखा जाए तो जो हमने आपको बेसिक के क्लास के बारे में कम से कम 10-12-15 वीडियो मैंने कंटिन्यू आपको वीडियो दिया हुआ है। उसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोग ने कमेंट किया है कि सर ये वीडियो मैं पहले थोड़ा सा देख चुका हूँ, ऐसे टाइप का वीडियो मुझे और लेटेस्ट वीडियो दे। तो मैं उनको ये बात का विश्वास देना चाहता हूँ कि आपको वो भी वीडियो आपको आगे मिलेगा, लेकिन ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ बेसिक लेवल से इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो 5 साल 10 साल से मोबाइल फ़ोन के लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो दुकान पर बैठ करके अगर थोड़ी सी कुछ चीज़ों के बारे में सीख जाते हैं तो अपना रिपेयरिंग अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर अगर उनको लगता है कि नहीं यार हमको यार पूरा सीखना है, पूरा सीख करके ही बढ़िया तरीके से काम करना है, तो बिल्कुल आप बेशक आप वेलकम, आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको मैं आपको 45 दिन का हम आपको कोर्स सिखाते हैं। 45 दिन में हम आपको ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो हम लोग जो बात करेंगे माइक के बारे में, किसके बारे में, माइक के बारे में, माइक को हम लोग कैसे चेक करेंगे, माइक को चेक करने का तरीका क्या होता है, माइक का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। माइक एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो आवाज भेजता है। यह हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है जो जिसका काम होता है आवाज भेजना। जैसे हम लोग बात करते हैं ना तो बात करने में जो हमारी आवाज होती है दूसरी तरफ जाती है, वो इसी के माध्यम से जाती है। जैसे आप हाय हेलो जो बोलते हैं तो जो हमारी आवाज दूसरी तरफ जा रही है वो माइक के माध्यम से ही जाती है। अब हम बात करते हैं माइक आपका मोबाइल फोन में दिखता कैसे है। रियल शेप कि माइक का डिजाइन कैसा होता है। माइक जो होता है तो राउंड शेप में होता है, ऐसे इसमें वायर वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल माइक। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल माइक बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका एक माइक होता है, उसमें एक हल्का सा छोटा सा छेद होता है और आगे दो पिन दी होती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एसएमडी माइक। क्या बोलते हैं, एसएमडी माइक। तो एक तो राउंड शेप में होता है, जो राउंड शेप में होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल माइक बोलते हैं, जो छोटा सा छेद होता है जो एसएमडी टाइप में होता है, ये 4 पिन का होता है, इसे हम लोग एसएमडी माइक बोलते हैं। तो ये जो माइक होते हैं ये हमारे एक तो इस तरह का दिखता है और दूसरा ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ऐसा भी पाया जाता है जिसको हम लोग डिजिटल माइक के रूप में हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल माइक, इसे एसएमडी माइक या आप डिजिटल माइक भी कह सकते हैं। इस तरीके से दिखता है। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड में इसका फोटो दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ कि कैसा आपको माइक दिखता है। मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ जिससे इमेज के माध्यम से आपको दिमाग में एक उसकी इमेज छप सके कि आपको माइक कैसा होता है। ये देखिए इस तरीके से माइक आपका दिखता है। जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में माइक आपका लगा होता है। अगर ये माइक खराब हो जाता है तो इसके खराब होने से हमारी आवाज दूसरी तरफ नहीं जाती, ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर आप देखेंगे ये आपका माइक लगा हुआ है,
इसे हम लोग एसएमडी माइक बोलते हैं, और ये वाला जो माइक होता है इसे हम लोग यूनिवर्सल माइक बोलते हैं। ये मोस्टली कीपैड फोन में पाया जाता है, और ये मोस्टली तुम्हारे जितने भी स्मार्टफोन आते हैं सारे स्मार्टफोन में आपका ये वाला माइक लगा होता है। अगर ये माइक खराब हो जाएगा तो जो हम बात कर रहे हैं हमारी आवाज़ जो दूसरी तरफ जा रही है वो हमारी आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो माइक खराब होने से प्रॉब्लम यह है कि हमारी आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जाएगी। अगर दूसरी तरफ नहीं जाती तो इसका मतलब होता है हमारी माइक क्या हो गए, खराब हो गया। हमारा माइक खराब है तो माइक खराब होने की वजह से ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइक को चेंज कर देंगे। माइक चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताता हूँ, उसके बारे में डिटेल आपको समझाता हूँ। तो आप लोगों को जो मैं सब बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को कॉपी में अच्छे से नोट करिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे नोट करके फोटो भी भेज रहे हैं व्हाट्सअप में कि देखिए सर मैंने आपकी क्लास में सारा सब कुछ नोट किया हुआ है और बड़ा अच्छे से बता रहे हैं, हमको भी खुशी मिलती। भाई देखो हम आपको सिखा रहे हैं और आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए ना, अगर समझ में आ रहा तभी हमारा सिखाने का फायदा है, तुम्हारा सीखने का फायदा है, वरना ऐसे ही बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो क्या फ़ायदा। आप इन सब चीज़ों को देखो, देखने के बाद समझो। तो रियल सेफ ये हमारा गोल होता है, यूनिवर्सल माइक बोलते हैं, एसएमडी माइक, इसे डिजिटल माइक भी कहते हैं। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है MIC होता है। सिंबल, अगर हम बात करेंगे सिंबल की, ऐसा राउंड शेप में इसका क्या होता है, सिंबल होता है। इसका वर्क होता है आवाज भेजना। इसका काम क्या रहता है, आवाज भेजना। जैसे हमारे मोबाइल में जो हम बात करने में जो हमारी आवाज दूसरी तरफ जाती है वो इसी के माध्यम से जाती है। अगर ये खराब हो जाएगा तो हमारी आवाज दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो इसका काम होता है आवाज़ को भेजना। जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में बात करते समय जो हमारी आवाज़ दूसरी तरफ जाती है वो इसी के माध्यम से जाती है। टेस्टिंग, हम बात करेंगे इसको चेक कैसे करेंगे। टेस्टिंग क्या होती है, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे तो ओके। अगर जब आप इसको चेक करोगे तो चेक करने पर वन साइड वैल्यू देगा। वन साइड का मतलब समझ रहे हो, एक साइड से वैल्यू आएगी एक साइड से वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, बी पॉइंट पर सेट करने का चेक करने पर अगर वन साइड वैल्यू देता है तो वन साइड वैल्यू देने पर हमारा ये सही है। इसका मतलब चेक किया वो हमारा सही है। अब बात करेंगे फॉल्टी, खराबी। अगर इसे आप चेक करेंगे वैल्यू ना दे तो खराब है, बीप दे तो खराब है। अगर जब आप इसको चेक करते हो तो चेक करने पर अगर ये वैल्यू देता है वन साइड, मतलब एक तरफ से वैल्यू आएगी एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारा माइक क्या है, सही है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू नहीं आती, दोनों तरफ से बीप आने लगती है, कुछ भी नहीं आती, तो हमारा माइक क्या है, खराब है। अगर माइक खराब हो गया तो माइक खराब होने पर आप उस माइक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने माइक के बारे में आपको सिखाया कि माइक हमारा जो पार्ट्स लगा होता है, माइक कंपोनेंट लगा होता है,
उसके खराब होने से हमारी मोबाइल फोन में क्या प्रॉब्लम आती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पास स्मार्ट मोबाइल फोन आते हैं तो स्मार्ट मोबाइल फोन में दो माइक लगे होते हैं। एक तो माइक आपका नीचे लगा होता है जो आपका प्राइमरी माइक होता है, जिससे हम बात करते समय जो हमारी आवाज दूसरी तरफ जाती है वो हमारा पहला माइक होता है जिसे हम लोग प्राइमरी माइक बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो माइक होता है उसे हम लोग सेकेंडरी माइक बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ लगा होता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो हमारे जैसे फोन में हम लाउड स्पीकर में बात करते हैं तो वो बात नहीं हो पाएगी, या सिम हटा करके जो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो ऐसी बात करते हैं वो भी नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो कॉलिंग के दौरान अगर हमारा माइक काम करता है तो वो हमारा प्राइमरी माइक होता है, और जो बिना कॉल के या व्हाट्सएप के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से या बिना सिम के द्वारा जो हम लोग यूज करते हैं तो हमारा सेकेंडरी माइक होता है। तो कई बार बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में यार ऐसे तो बात नहीं हो रही लेकिन लाउड स्पीकर करते तो बात हो रही है। अब उस कंडीशन पर हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे का यूआई का पत्ता लगा होता है अगर उसको हम हटा देते हैं और फिर भी हम लोग लाउड स्पीकर में बात करते हैं तब भी हमारी बात होती है। क्यों बात हो रही है? क्योंकि भैया नीचे का माइक का तो काम ही खत्म हो गया जब आपने यूआई हटा दिया, तो उस कंडीशन पर हमारा कौन सा माइक काम कर रहा है? सेकेंडरी माइक। तो आप अगर ऐसी कभी परेशानी आती है तो उस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि एक माइक हमारा नीचे लगा होता है उसे प्राइमरी माइक बोलते हैं, एक माइक आपका ऊपर लगा होता है उसे सेकेंडरी माइक बोलते हैं। अब मैं आपको इसको बोर्ड में दिखाता हूँ, पीसीबी में दिखाता हूँ कि माइक कैसा दिखता है और बोर्ड में इसको कैसे पहचानते हैं, पहचानने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको माइक के बारे में आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ बोर्ड में कि बोर्ड में कैसे दिखाई देता है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये हमारे पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन है, रेडमी का 4A मोबाइल फ़ोन खुला हुआ रखा है। इसका हम लोगों ने आज आईसी को रिपेयर किया था, चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम था, वो चार्जिंग आईसी चेंज भी करना है। लेकिन आज हम लोग माइक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ये देखेंगे आपका जो बोर्ड है, ये नीचे का जो बोर्ड लगा होता है इसे हम लोग यूआई पत्ता बोलते हैं। सर थोड़ा सा पास में जूम करके दिखाइए ताकि सभी को दिखाई दे, ऐसे। तो ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है, तो इस बोर्ड में जब आप देखेंगे तो ये बोर्ड आपका ऐसे लगा होता है, यहाँ पर आपका डिस्प्ले लग जाता है, नीचे यूआई पत्ता लग जाता है। आप नीचे देखेंगे ये वाला जो यूआई पत्ता लगा है, इस यूआई पत्ते में जो नीचे की तरफ लगा होता है इसका हम लोग माइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखो मैं थोड़ा सा पास करके दिखाता हूँ, ये आपका माइक है, ये माइक है, ये चार पिन का माइक होता है, क्रिस्टल माइक है। ये खराब हो जाने पर पूरा हम लोग यूआई का यूआई चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में देखेंगे कि ऊपर की तरफ भी लगा हुआ है, जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है इसे हम लोग सेकेंडरी माइक बोलते हैं। तो जो नीचे वाला लगा हुआ है ये हमारा प्राइमरी है, और ऊपर वाला जो लगा हुआ है ये हमारा सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, तो मतलब दोनों माइक लगे हुए हैं। तो अगर माइक ख़राब हो जाएगा तो माइक ख़राब होने पर हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड्रॉयड फ़ोन में तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं यार, आप नए लोग हो तो आराम से यूआई चेंज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में मैंने माइक के बारे में आपको समझाया है, माइक के बारे में आपको समझ में आया, वीडियो देखा। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित ए से लेकर जेड तक हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने माइक के बारे में समझाया कि माइक को कैसे चेक करेंगे, माइक को कैसे रिपेयर करेंगे, किस तरीके से रिपेयरिंग करेंगे। तो अब फिलहाल होली हो गई है सारे बच्चों की, तो जो बच्चे ऐसे हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी अपने पास नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच में मैं आपको कहना चाहता हूँ होली के बाद अभी नया बैच जो बना है इसमें कम से कम 8 से 12 लोगों ने, बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, उन लोगों ने अपना आधार कार्ड है, फ़ोटो है, सारा सब कुछ मुझे भेज दिया है, जिसमें से गोवा के रहने वाले हैं उन्होंने अपना पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, अपना आधार कार्ड भेज दिया। उन्होंने बोला कि सर मैं 13 तारीख को आपके पास पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास एक महेश जी हैं, अहमद जी हैं, और भी हैं, मुझे उनका कन्फर्म से उनका नाम नहीं याद इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। तो मतलब 7-8 लोग हैं जिन लोगों ने अपना पूरा सारा फॉर्मेलिटी वगैरह हमको करा दिया हुआ है, और उन्होंने भैया से बात करके उन्होंने आज मुझे बताया कि सर आज 7-8 लोगों ने अपना पूरा फाइनल करा दिया है, तो ये लोग बैच में आ जाएंगे।
और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने फ़ोन किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ करके ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास जो एक पर्सन आए थे, उन्होंने मतलब अपनी एक बहुत स्टोरी मुझे बताई, उन्होंने ऐसा बताया और मुझे भी ऐसा सुन करके समझ करके ऐसा आश्चर्य लगता है कि मतलब लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। अब कह दो सर जी कैसा हो सकता है, क्या स्टोरी वाली बात रही। स्टोरी का मतलब ये है कि वो सर मतलब जॉब करते हैं, रहने वाले तो कानपुर से हैं, उनके फादर कानपुर में जॉब करते हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना करियर ये सुना कि यार करियर ये चूज़ किया कि मैं बाहर जाकर नौकरी करता हूँ। तो उन्होंने बदायूं ये अपना यूपी में ही पड़ता है, तो वहाँ पर जा करके नौकरी करते रहे। 10-12 साल 15 साल हो गया, तो उनके बाद में मम्मी पापा ये कहते रहे कि बेटा बहुत साल हो गए नौकरी करते करते, तो बच्चे हो गए हैं, तुम उनको भी ले गए, घर आ जाओ, वापस आ जाओ, यहीं कुछ अपना काम कर लो। कह रहे मैं फैमिली से अकेला हूँ लेकिन फिर भी मैं बाहर चला गया, वहाँ नौकरी करता रहा। मम्मी पापा तो बोला कि ठीक है मैं आ जाऊँगा अब कुछ दिन और कर लेता हूँ। ऐसा करते करते मुझे सर जी कह रहे 18 साल हो गया। और मैं आपसे इस बात से कहना चाहता हूँ, अफसोस की बात यह है कि सर 18 साल हो गया, 18 साल में मैंने अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, मैं बाहर नौकरी करता रहा, अपने बच्चों को भी ले गया, फैमिली को ले गया, 20-22-25 हज़ार रुपये इनकम ज़रूर कमाता रहा, लेकिन वहाँ कुछ इतना खास मुझे बचत नहीं हुआ। लेकिन बाद में दुख मुझे इस बात का हुआ कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। इसी ईयर में ही मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा दुखी भी थे, उन्होंने बोला कि सर इसी ईयर में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। और मम्मी एक्सपायर हो गई तब मैं घर पे आया, और घर पे आने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा, और ये लगा कि हम लोग 18-20 साल हो गए नौकरी करते करते, बाहर आज हम नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी करने के बाद अंततः हमको घर ही जाना है, लेकिन हमने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, और मैंने अपने मम्मी को खो दिया। लेकिन अब मैं उनको दोबारा हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब घर आया तो मुझे इतना दुख लगा कि मैं फादर की वजह से, मैं अपने पिताजी की वजह से मैं दोबारा जॉब पे नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने मैसेज किया कि सर मैं अब जॉब नहीं कर सकता और मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मम्मी की बात याद आ गई कि हम तुमको बुला रहे हैं, अभी आप नहीं आ रहे हो, लेकिन एक दिन बाद तुम याद ज़रूर रखना कि जब हम चले जाएंगे तो तुम घर ही आओगे। तो मुझे भी उस चीज़ को लेकर के बड़ा दुख महसूस होता है। और आज उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, मेरे पास अपना फीस भी जमा करा गए, अपना आईडी प्रूफ भी जमा करा गए, और मुझसे प्रॉमिस कर गए कि सर मैं आपके पास 1 से लेकर के 15 मई के बीच में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं जहां मैं जॉब में क्विट कर रहा हूं, तो मैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि भाई मैं काम छोड़ के चला जाऊँ, मक्कारों की तरह उनका काम का नुकसान हो, मैं उनको पूरा समय दूंगा महीने भर का, 1.5 महीने का, वो अपने मेरी जगह पे कोई दूसरे पर्सन को रख लें और मैं अब घर ही आऊँगा और मैं अपने फादर के साथ रहना चाहता हूँ। और यहीं पर उन्होंने बोला कि सर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डोर टू डोर काम करूँगा, मैं लोगों के पास जाकर काम करूँगा, कहीं आप मुझे थोड़ा सा काम दिला दीजिएगा, क्योंकि अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि वहाँ जाऊँ तो यहाँ सब कुछ बेकार है और यहाँ रहूँ तो मैं बेकार हूँ। तो उन्होंने के साथ में ऐसा हादसा हुआ तो मुझे भी बड़ा दुख लगा। और ये सर मैं ऐसा हादसा मैं उन्हीं की वजह से नहीं कहना चाहता, ये ऐसा कहानी हर उस इंसान के पीछे है जो आज अपने फैमिली से दूर है, अपने परिवार से दूर है, बाहर रह करके नौकरी कर रहा है, तो उसको ये परेशानी ज़रूर झेलनी पड़ती है। क्यों झेलनी पड़ती है? क्योंकि उसको खुद का भी ध्यान रखना है, अपने साथ में जो फैमिली है उसका भी ध्यान रखना है, और तुमको उसका भी ध्यान रखना है जो तुमको दुनिया में लाया है, मम्मी पापा। क्योंकि आदमी के इंसान में 3 तरीके के परिवार हो जाते हैं। एक तो वो हो जाते हैं जो आदमी के इंसान में लाते हैं, जो उसके पेरेंट्स। दूसरे परिवार वो हो जाता है जो जिसके साथ में आदमी की शादी होती है, मैरिज होती है, या फैमिली जिसके सुपुर्द होती है वो। तीसरा वो जो उसका काम। अगर वो आदमी अगर अपने ज़िंदगी को सुखमय या अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है, इन तीनों चीज़ों को हासिल करना चाहता है, तो उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है, उन सबको एक जगह कर दे। अगर उन सबको एक जगह कर देता है, अपना घर वापसी हो जाता है, या कुछ भी ऐसा टेक्निकली काम सीख लेता है, काम सीखने के बाद आराम से अपना ज़िंदगी यापन कर सकता है, और 1,500 रुपये के लिए कभी ज़िंदगी में मोहताज नहीं रहेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग का कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, तो इस बात का विश्वास के साथ मैं कहता चाहता हूँ कि आप 1,500 के लिए कभी ज़िंदगी में मोहताज नहीं रहेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको माइक के बारे में बताया है,
और आज हमारे साथ में ऐसा वाक्य हुआ तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, ताकि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग तो देते देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आपको और भी ऐसी चार चीज़ें सिखाना चाहते हैं जिनके माध्यम से सीख करके आप उस चीज़ को महसूस कर सको, उन सब चीज़ों को समझ सको कि लाइफ में आखिर हमको करना क्या है। और अगर हमको लाइफ में बहुत अच्छा करना है, बहुत बेहतर करना है, तो इस बात का अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान रखना है कि आप कर किसके लिए रहे हो। आप जिसके लिए कर रहे हो अगर उसी का साथ नहीं, तो ऐसे पैसे का क्या साथ। तो दोस्तों, आप अपने लोकल में रहें, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में काम करें, हो सकता है दो पैसे कम कमाएंगे, लेकिन आगे का ज़िंदगी भर के लिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिजनेस एक हमारा पेड़ की तरह होता है। अगर आज आपने पेड़ लगा दिया तो उससे कल फल निकलेंगे निकलेंगे, आपको खाने को मिलेंगे, आप भी खाएंगे, आपके परिवार में उनके बच्चे भी खाएंगे, उनके फैमिली के लोग भी खाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पे कल वीडियो पे मिलेंगे। तो ये हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है, ये ईटेक इंस्टीट्यूट, ये कानपुर के सागर मार्केट में पड़ता है। और सागर मार्केट जो है ये कानपुर रेलवे स्टेशन के नियर अबाउट 200-300 मीटर दूरी पर है। आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर कभी भी दिन में अगर आप फ्री हैं तो आप वीडियो कॉल करिए, वहाँ पर आपको अमित सर कॉल उठाएंगे या मेरे से बात होगी। अगर मैं क्लास में हूँ नहीं बात कर पाता तो अमित सर से बात होगी, वो आपको पूरा सेंटर दिखाएंगे, विजिट कराएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट से आपको सिखाया जा रहा है, क्या क्या टूल, सारी व्यवस्थाएँ हैं, वो सारी चीज़ों का फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।